بسم الله الرحمن الرحيم। भूख मदारी को लगती है, नाचना बंदर को पड़ता है। कुछ यही हाल मेरे वतन का है। मुश्किल फैसले अशराफिया करती है, फाका गरीब आवाम को करना पड़ता है। अदालत में रखा गया कुरान पाक मुल्ज़म के हाथों में देने के बजाय अगर जजों के हाथों में दिया जाए तो बेहतर फैसले हो सकते हैं। जिस शख्स पर यकीन हो कि वो कभी साथ नहीं छोड़ेगा, उस शख्स का अचानक चले जाना इंसान को ज़हनी मरीज बना देता है। वक्त वो तराजू है जनाब, जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। जाहिल ढोल की तरह होता है, बोलता बहुत है लेकिन अंदर से खाली होता है। वक्त जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। कब्र जितनी भी पुरानी हो जाए मगर फातिहा पढ़ने वालों के दुख ताज़ा ही रहते हैं। लोगों की अक्सरियत को मत देखो कि लोग किधर जा रहे हैं। सही रास्ता अपनाओ, चाहे उस रास्ते पर आप अकेले ही क्यों ना हों। ठीक वक्त पर पिए हुए कड़वे घूंट जिंदगी को मीठा कर देते हैं। उम्र की ऊंचाइयों को चढ़ता हुआ शख्स ये बात भूल जाता है कि वो दर हकीकत जीना दर जीना दो गज जमीन में उतर रहा है। मेरे बाबा ने कहा, बेटा मजबूत बनो। माँ बाप रहम खा लेते हैं लेकिन दुनिया वाले नहीं। अगर बहुत सारे मुनाफिक मिलकर तुम्हारी जड़ें काट भी दें लेकिन कोई एक दोस्त मुखलिस आपको सहारा दिए हुए हो तो यकीन माने आप कभी गिर नहीं सकते। इंसान एक ऐसा गाफिल मंसूबा साज है, वो अपनी सारी प्लानिंग में कभी अपनी मौत को शामिल ही नहीं करता। आज के दौर में अगर जेब में छेद हो जाए तो सिक्के से पहले सगे गिर जाते हैं। अपनी कीमत इतनी रखें जो अदा हो सके, अगर अनमोल हो गए तो तन्हा हो जाओगे। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते जो एक दूसरे की जड़ें काटने में मसरूफ होते हैं। बदगुमानी में इतनी ताकत है कि ये इंसान का ज़हनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ एक दूसरे से जुड़े ताल्लुक को कुछ मिनटों में हड़प कर जाती है। लोगों से मिलते वक्त इतना मत झुको कि उठते वक्त सहारा लेकर उठना पड़े। अच्छी तरबियत घरों से मिलती है, ऊंचे स्कूल सिर्फ तालीम देते हैं। इंसानियत वहां दम तोड़ देती है जब एक इंसान की मुसीबत दूसरे के लिए तमाशा बन जाती है।